तेलंगाना के पास टर्मरिक है, तेलंगाना के पास टैलेंट है, तेलंगाना के पास ट्रेडिशन है, तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना के सामर्थ्य को बीआरएस के कुशासन और करप्शन के कारण अपना उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब समय बदल रहा है, बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से उतना ही सतना है। कांग्रेस और बीआरएस यहां लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। और आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, इनका रिश्ता तो 50 साल पुराना है। मैं आपको बताऊं, केसीआर ने अपने की शुरुआत किस पॉलिटिकल पार्टी से की थी? कांग्रेस। किस पार्टी ने उन्हें 2004 में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस। जब तेलंगाना बना तो वो किस पार्टी के नेताओं के पास गए? कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ ने किस पार्टी का समर्थन किया? कांग्रेस। राष्ट्रपति के चुनाव में ये किस पार्टी के साथ गए? कांग्रेस। अरे इतना ही नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये बीआरएस ने दिया? कांग्रेस। तो इनका असली दोस्त कौन है? इनकी मैं किससे है? उनका नाता किससे है? और तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, ये भी याद रखिए, मैं अपा की पहचान बताता हूं आपको। अरे वो कौन सी पार्टी थी? इन्हें बाद में हराया, बीजेपी ने हराया। किस पार्टी ने इन्हें दुबक्का में हराया? बीजेपी ने। किस पार्टी से जीएचएमसी के चुनाव में हारते हारते बच गए? बीजेपी। और इसलिए सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बीजेपी से। दोनों ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम की ये सीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, केसवर बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस से, आप लोग अच्छी तरह समझ गए थे, बीआरएस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, आपके विश्वास को तोड़ा है, इसलिए तब आपने
बीआरएस को हराने का फैसला किया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा भी तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है। और तेलंगाना के मेरे नौजवान, मेरी बात लिख करके रखिए, तेलंगाना की माताएं बहनें किसान युवान मजदूर दलित आदिवासी पिछड़े सब लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम के लोगों को हो रही परेशानियां, यहां वर्षों तक रहे कुशासन का भी बड़ा प्रमाण है। यहां ज्यादा पानी या कम पानी दोनों ही आफत का कारण बनते हैं। बारिश के समय यहां के अनेक इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को मुश्किल होती है। वहीं दूसरी ओर महेश्वर के अनेक हिस्सों में लोग पीने के पानी की किल्लत महसूस करते हैं। कांग्रेस और बीआरएस ने यहां क्या किया उसकी असलियत यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बीजेपी को सेवा का मौका देंगे तो बीजेपी जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान करेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर सोच से समझ से कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध उसमें से राजनीति खोजना यही उनका कारोबार है। इन्हें तीन बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो। इन लोगों को बांटो और राज करोगी वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, एपीजमेंट बिल्कुल नहीं। हम 100% सेचुरेशन की बात करते हैं, जिसमें किसी से भेदभाव न हो। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी की राजनीति से भी नफरत है। कांग्रेस के हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। केसीआर जो कांग्रेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने
इरिगेशन स्कीम्स शुरू की और इरिगेशन स्कीम्स को उन्होंने इरिगेशन स्कैम बना डाला। शुरू तो करते हैं इरिगेशन स्कीम, बन जाता है इरिगेशन स्कैम। नागकुटम सप्युलारा, कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है, अभी जमानत पे घूम रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका घमंड सातवें आसमान पर है। बीसी समाज का ये घमंड तोड़ कर रहे ये बीसी समाज कांग्रेस के इस घमंड को चूर चूर करके रहेगा और ये हम सब ने संकल्प करना चाहिए। नागकुटुंब सभ्युलारा, ये लोग शोषितों वंचितों के साथ नहीं बल्कि इन्हें सबसे ज्यादा अपना स्वार्थ दिखता है। केसीआर ने दलित सीएम बनाने का वादा किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। इनकी दलित बंधु स्कीम बीआरएस विधायक बंधु स्कीम बन गई। इन दोनों दलों ने मिलकर भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए भी आकाश पाताल एक कर दिया। नागकुटुंब सभ्युलारा, सच्चे विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, यह सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, ना कोई पीछे छूटे और ना किसी को पीछे छूटे जाने का एहसास हो। दशकों तक तेलंगाना के बीसी समाज के लोगों ने खुद को उपेक्षित महसूस किया, हमेशा उनका अनादर किया गया। लेकिन अब बीजेपी ने यह वादा किया है कि इस क्षेत्र को अब बीसी समाज से आने वाला पहला सीएम मिलेगा। यह हमारा वादा है आपको, अब जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप बीसी सीएम चाहते हैं तो सबने मिलकर के बीजेपी को जिताना होगा। आपके सपने पूरा करने का काम हम करेंगे। और बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। नागकुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि यहां दलित समुदाय कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। यहां दलितों में भी कुछ वर्ग अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा उपेक्षित रह गए। बीजेपी मादिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को भी भली भांति समझती है। इस अन्याय का दूर करने के लिए भारत सरकार की कमेटी सारी प्रक्रिया को तेज करने का काम कर रही है। मादिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर कल ही, क्योंकि मैं कल चुनाव प्रचार में से एक दिन दिल्ली गया था, तो कल ही मैंने
दिल्ली में अफसरों से उसको बुलाया और पूरा रोड मैप बना करके दिया है कि मुझे काम तुरंत चाहिए। साथियों, भाजपा सरकार में विकास का लाभ गरीबों, किसानों, महिलाओं और एससी एसटी बीसी सभा तक लगातार पहुंच रहा है। हमने मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, जनधन बैंक अकाउंट, नल से जल, ऐसी कितनी ही योजनाएं आप लोगों के लिए शुरू की। हम गरीबों के लिए इतना काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन किया और घोटालों पर लगाम लगाई। लेकिन तेलंगाना में जो हो रहा है वो तो चौंकाने वाला है। ये बीआरएस सरकार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पा रही वो गरीब के लिए कैसे काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार में सभी को सैलरी और पेंशन अपने समय पर मिला करेगा। और ये भी मोदी की गारंटी है ना कुटुंब सभ्युलारा, राज्य में बीजेपी सरकार होने से राज्य के विकास को डबल इंजन की ताकत मिल जाती है।